तो टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद और ब्रोली से हुई फाइट के बाद हम सभी देखते कि एक तरफ वेजिटा ने अपनी काफी सारी नई फॉर्म को हासिल कर लिया होता है और बीरस ने भी वेजिटा को यूनिवर्स 7 का आने वाला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए चुन लिया होता है और वेजिटा धीरे धीरे करके काफी आगे निकलता जाता है। दूसरी तरफ हम सभी देखते गोकू को जो कि आजकल अपना ज्यादातर समय प्लैनेट अर्थ में ही अपनी फैमिली के साथ बिताता है और गोकू आजकल प्लैनेट बीरस में भी जाना एकदम बंद कर चुका होता है। और हम सभी देखते हैं गोकू अकेला ही अपने ट्रेनिंग पे फोकस करता है और वो टाइम चेंबर के अंदर जाके अपने अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म को यूज करने लगता है और धीरे धीरे करके गोकू टाइम चेंबर के अंदर कई हजारों साल बिताने लगता है और उसने अपने अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म के काफी सारे लेवल को अनलॉक कर लिया होता है। और साथ ही में हम सभी देखते गोकू अब काफी ज्यादा बोर भी होने लगता है और इसी के साथ गोकू काफी दिनों के बाद प्लैनेट बीरस के लिए निकल जाता है और जैसे ही गोकू वहां पर पहुंचता है उसे वीस दिखाई देता है और गोकू कहता है, हे वीस, हमें मिले हुए लगभग काफी लंबा समय बीत चुका है, तुम कैसे हो? जिसके ऊपर वीस कहता है, ओह गोकू, क्या ये तुम हो? सच में हमें मिले हुए काफी ज्यादा लंबा समय हो गया है, तुम इतने समय के बाद यहाँ पर आए हो। जिसके ऊपर गोकू हंसते हुए कहता है, हाँ वीस, ये तो सच है, लेकिन लॉर्ड बीरस और वेजिटा कहाँ है? वो मुझे कहीं पर नहीं दिख रहे। जिसके ऊपर वीस कहता है, गोकू, वैसे वेजिटा और लॉर्ड बीरस एक साथ इस समय पे ट्रेनिंग कर रहे हैं क्योंकि लॉर्ड बीरस ने वेजिटा को अपना नया सक्सेसर चुना है। जो सुन के गोकू थोड़ा हैरान होता है लेकिन वो उसी के साथ साथ खुश भी होता है। और तभी हम सभी देखते वहाँ पर बीरस भी आ जाता है और गोकू कहता है, हे लॉर्ड बीरस, आखिर आप कैसे हो? हमें मिले हुए सच में काफी ज्यादा लंबा समय बीत गया। और गोकू को देख के बीरस कुछ समय के लिए हैरान होता है और वो कहता है, क्या गोकू, ये तुम ही हो? सच में हमें मिले हुए काफी लंबा समय बीत गया। मैं वीस और वेजिटा कुछ समय पहले प्लैनेट अर्थ में आए थे लेकिन तुम हमें वहाँ पर नहीं मिले। जिसके ऊपर गोकू हंसते हुए कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, मैं टाइम चेंबर के अंदर कुछ समय के लिए ट्रेनिंग करने के लिए गया था। और तभी वेजिटा भी वहाँ पर आ जाता है और वेजिटा कहता है, ए क्या करोट, आखिर तुम इतने समय से कहाँ पर गायब थे? जिसके ऊपर गोकू हंसते हुए कहता है, वेजिटा, इन सब बातों को छोड़ो, मैंने सुना है कि तुम अगले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन सकते हो यूनिवर्स 7 के, तो तुम्हारे अंदर तो सच में काफी ज्यादा शक्तियाँ आ गई होगी। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हाँ कैकरोट, वैसे भी हमें लड़े हुए काफी समय हो चुका है, तो क्या तुम मेरी नई शक्तियों को देखना चाहोगे? तो आ जाओ, क्यों ना हम अपनी फाइट को जारी रखें। जिसके ऊपर गोकू कहता है, मुझे नहीं लगता वेजिटा कि तुम अभी भी मुझे हराने के लायक हो। जिसके ऊपर बीरस कहता है, गोकू, वेजिटा अब सच में काफी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है क्योंकि वो मेरा सक्सेसर बनने के लायक बन चुका है। जिसके ऊपर वेजिटा अपना पावर अप करते हुए कहता है, तो आ जाओ कैकरोट, किस बात की देरी है। जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, तो ठीक है वेजिटा, आ जाओ, मैं भी अब ज्यादा देर नहीं कर सकता। और ये कहने के बाद गोकू लड़ाई करने के लिए एकदम खड़ा होता है और बीरस, वीस और वेजिटा ये देख के काफी ज्यादा चौंक जाते हैं कि गोकू अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहा होता। और वेजिटा कहता है, कैकरोट, ये तुम क्या कर रहे हो? अपने आप को जल्दी से ट्रांसफॉर्म करो। जिसके ऊपर गोकू कहता है, ओ वेजिटा, आ जाओ अब, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं भी काफी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका हूँ। और ये कहने के बाद वेजिटा कुछ भी नहीं सुनता, वो लगातार अपने गोकू के ऊपर काफी सारे हमले करने लगता है लेकिन गोकू उन सभी अटैक से बचता रहता है और वो भी एकदम अल्ट्रा इंस्टेंट के जैसे, जो देख के वीस काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी वीस गोकू के अंदर एक बात को नोटिस करता है और हम सभी देखते गोकू कहता है, क्या हुआ वेजिटा, क्या तुम सिर्फ इतने समय पे इतने ज्यादा शक्तिशाली हुए हो? तो यार मुझे कुछ और शक्तियाँ दिखाओ। जिसके ऊपर वेजिटा को धीरे धीरे करके गुस्सा आने लगता है और वो गोकू के ऊपर अपने काफी सारे हमले करता है लेकिन गोकू उन सभी अटैक से बड़ी आसानी से बच जाता है। और गोकू कहता है, तो ठीक है वेजिटा, अब खेल बहुत हो गया, वैसे भी आजकल मैं काफी जल्दी बोर हो जाता हूँ। और ये कहने के बाद गोकू अपने काफी सारे हमले एक ही झटके में वेजिटा के ऊपर कर देता है जिससे वेजिटा वहीं पर गिर के लगभग बेहोश होने ही वाला होता है। और तभी बीरस और वीस ये देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं और बीरस कहता है, क्या आखिर ये तुमने कैसे किया गोकू? जिसके ऊपर गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं भी शक्तिशाली हो चुका हूँ क्योंकि आजकल मैं अपना ज्यादातर समय अकेले टाइम चेंबर के अंदर ही बिताता हूँ। और ये कहने के बाद गोकू वहाँ से जाने लगता है। तभी हम सभी देखते वेजिटा खड़ा हो जाता है और वो कहता है, कैकरोट, तुम वापस मेरे से आगे निकल गए, न जाने मुझे कितना और समय लगेगा अब तुम्हारे पास तक आने के लिए। जिसके ऊपर गोकू हंसते हुए कहता है, अरे वेजिटा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम और भी ज्यादा शक्तिशाली बन के रहोगे क्योंकि अब तुम यूनिवर्स 7 के आने वाले समय पे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन सकते हो, तो तुम सच में काफी ज्यादा शक्तिशाली हो। और वैसे भी भूलो मत, हम सैयंस है, हमारी कोई लिमिट नहीं है। और ये कहने के बाद गोकू वहाँ से चले जाता है। जिसके ऊपर वीस तभी बीरस से कहता है,
लॉर्ड बीरस, क्या आपने एक बात को नोटिस किया? गोकू ने अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म को अपनी बेस फॉर्म पे इस्तेमाल करना सीख लिया है, जो सुन के बीरस काफी ज्यादा हैरान होता है और वीस कहता है, लगता है कि गोकू की बेस फॉर्म भी हम एंजल की जितनी पावरफुल हो चुकी है, जो सुन के बीरस काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता, क्या तुम सच कह रहे हो वीस? जिसके ऊपर वीस कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, तो शायद मुझे अभी के समय पे कुछ काम है, तो मुझे ग्रैंड प्रीस्ट के पास एक बार जाना होगा। और ये कहने के बाद वीस भी वहां से निकल जाता है। और तभी हम सभी देखते वीस ग्रैंड प्रीस्ट के पास पहुंचता है और वो ग्रैंड प्रीस्ट के साथ कुछ बातें करने लगता है। दूसरी तरफ हम सभी देखते गोकू को, जो कि प्लैनेट अर्थ में अकेला बैठा हुआ होता है। और तभी गोकू कहता है, अब मैं क्या करूं, मैं काफी ज्यादा बोर होने लगा हूं। मुझे मालूम है कि वेजिटा आने वाले समय पे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाएगा। यूनिवर्स 11 का जिरेन भी अपनी शक्तियों में काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका होगा। और साथ ही मैं टोपो को कैसे भूल सकता हूँ, वो भी अभी तक यूनिवर्स 11 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन गया होगा। और सिर्फ अब मैं ही अकेला रह चुका हूँ, अब मैं क्या करूँ, मैं काफी ज्यादा बोर हो रहा हूँ। और तभी गोकू को एक आवाज सुनाई देती है, अगर ऐसा है तो तुम एक काम क्यों नहीं करते गोकू? जिसके बाद हम सभी देखते वहां पर वीस आ जाता है और गोकू वीस को देख के कहता है, हे वीस, तुम यहाँ पर लेकिन कैसे? जिसके ऊपर वीस कहता है, मैंने अभी अभी सुना कि तुम काफी ज्यादा बोर होने लगे हो गोकू, तो क्यों ना तुम कुछ समय जिनोसामा के पास जाके बिताओ। जो सुन के गोकू कहता है, ओह हाँ, मैं तो उसके बारे में एकदम भूल ही गया था। वैसे भी जिनोसामा से मिले हुए काफी ज्यादा लंबे समय बीत चुका है, थैंक यू वीस मुझे याद दिलाने के लिए। जिसके ऊपर वीस कहता है, वैसे ग्रैंड प्रिंस जिनोसामा को तुमसे कुछ खास काम है गोकू, जो तुम्हें वहां पर जाने के बाद ही पता चलेगा, तो तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? जिसके बाद हम सभी देखते वीस वहां से चले जाता है और ये सब सुनके गोकू कुछ हैरान होता है और वो कहता है, क्या ग्रैंड प्रीस्ट को और मुझसे काम, लेकिन क्या हो सकता है? लेकिन चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मैं यहाँ पर काफी ज्यादा बोर हो रहा हूँ, तो क्यों ना मैं वहां पर जाऊँ और जिनोसामा का दिया हुआ ये बटन तो मेरे पास है ही, और मैं इस बटन को दबाऊंगा तो सीधा मैं जिनोसामा के पैलेस में पहुंच जाऊंगा। और ये कहने के बाद गोकू उस बटन को दबा देता है, जिसके बाद वो सीधा जिनोसामा के पैलेस पे आ पहुंचता है, जहां पर ग्रैंड प्रीस्ट गोकू का पहले से इंतजार कर रहे थे। और गोकू कहता है, हे ग्रैंड प्रीस्ट, क्या ये सच में आप हो? आप यहाँ पर कैसे? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट हंसते हुए कहते हैं, सन गोकू, तुम यहाँ पर आए हो, ना कि मैं तुम्हारे पास। वैसे भी तुम्हें तो पता होना चाहिए कि यहाँ पे अगर कोई भी आता है तो मैं उसके स्वागत के लिए पहले ही खड़ा होता हूँ। जिसके ऊपर गोकू हंसते हुए कहता है, ओह हाँ, मैं इसके बारे में तो भूल ही गया था, तो आपको मुझसे क्या काम है? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, पहले क्या तुम जिनोसामा से नहीं मिलना चाहोगे? और ये कहने के बाद गोकू और ग्रैंड प्रीस्ट जिनोसामा के पास पहुंचते हैं और दोनों ही जिनोसामा गोकू को देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं। और गोकू कहता है, हे जेनीज, हमें मिले हुए काफी ज्यादा लंबा समय हो गया, तुम लोग कैसे हो? जिसके ऊपर जिनोसामा कहते हैं, हे गोकू, तुम काफी दिनों के बाद आए हो, हमें तुमसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई, तो आखिरकार क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहोगे? जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्यों नहीं, मैं इसीलिए तो यहाँ पर आया हूँ। और ये कहने के बाद गोकू और जिनोसामा अपना समय कुछ देर खेलने में बिताते हैं, जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तो गोकू, तुम्हें वीस ने तो बताया होगा कि हमें तुमसे एक खास काम है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ ग्रैंड प्रीस्ट, उस बारे में तो मैं भूल ही गया था, तो मुझे बताओ क्या आखिर आपको मुझसे क्या काम है? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, देखो गोकू, मुझे ग्रैंड प्रीस्ट बने हुए एक काफी ज्यादा लंबे समय बीत चुका है और मैं काफी लंबे समय से अपनी फैमिली यानी कि एंजल वर्ल्ड में भी नहीं गया हूँ, तो मैं चाहता हूँ गोकू कि तुम मेरे नए सक्सेसर बनो। जो सुन के गोकू काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है, क्या क्या कहा आपने ग्रैंड प्रीस्ट, मैं और आपका सक्सेसर, ये लेकिन कैसे हो सकता है? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, ये हो सकता है गोकू, अगर तुम्हारे पास सच में एंजल्स की लेवल तक की पावर आ गई हो तो ये हो सकता है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा, तुम्हें साबित करना पड़ेगा क्या सच में तुम मेरे यानी कि ग्रैंड प्रीस्ट के सक्सेसर बनने के लायक हो। जिसके ऊपर गोकू कहता है, तो चलो ग्रैंड प्रीस्ट, इसे शुरू करते हैं, क्योंकि मैं आपका सक्सेसर बनने के लिए तैयार हूँ। और ये कहने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट और गोकू एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, जो देख के दोनों ही जिनोसामा काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं, क्या बात है, गोकू और ग्रैंड प्रीस्ट आपस में लड़ाई करने वाले हैं, ये तो काफी ज्यादा दिलचस्प होगी। और तभी हम सभी देखते ग्रैंड प्रीस्ट अपना एक हमला करते हैं गोकू के ऊपर, जिससे गोकू बड़ी मुश्किल से ही बच पाता है। और गोकू अभी भी अपने बेस फॉर्म पे होता है और वो कहता है, क्या बात है ग्रैंड प्रीस्ट, आपके पास सच में काफी ऑर्डिनरी पावर्स है। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तो गोकू, क्या तुम ट्रांसफॉर्म होना नहीं चाहोगे? क्योंकि धीरे धीरे करके मैं इस फ्रेंडली फाइट में सीरियस हो सकता हूँ।
जिसके ऊपर गोकू कहता है, और चलो भी ग्रैंड प्रिस्ट, आप मेरी पावर देखना चाहते थे ना, तो आप ये सब बातें मत करो, ये हमारा एक फ्रेंडली मैच होने वाला है, लेकिन हम अपनी पावर को पीछे नहीं करने वाले। और ये कहने के बाद गोकू अपनी बेस फॉर्म पे ही काफी सारे अटैक करता है ग्रैंड प्रिस्ट के ऊपर, जिससे ग्रैंड प्रिस्ट भी धीरे धीरे करके मुश्किल से ही बच पाते हैं। और गोकू और ग्रैंड प्रिस्ट एक दूसरे के ऊपर अपने हमले करने लगते हैं, और तभी ग्रैंड प्रिस्ट अपना एक पंच लगाने पे कामयाब हो जाते हैं गोकू को, जिससे गोकू लड़खड़ा के कुछ कदम पीछे गिर जाता है। और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, गोकू अब खेल बहुत हो गया, क्यों ना हम अपनी थोड़ी और पावर लगाएं। जिसके ऊपर गोकू ये सब सुन के कहता है, हाँ ग्रैंड प्रिस्ट, मैं भी ऐसा ही सोच रहा था, तो चलो हो जाए। और ये कहने के बाद गोकू अपने आप को सुपर सैयन ब्लू के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जो देख के ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, क्या तुम अल्ट्रा इंस्टेंट में नहीं जाना चाहोगे। जिसके ऊपर गोकू सिर्फ हंसता रहता है। और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो लगता है कि तुम्हारी ये ताकतें काफी ज्यादा शक्तिशाली है। और ये कहने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट और गोकू एक दूसरे के ऊपर अपने काफी सारे पंचेस लगाते हैं, जिससे धीरे धीरे करके मल्टीवर्स में इसका असर होना चालू होता है। और ग्रैंड प्रिस्ट तभी एक सुरक्षा बैरियर बना देते हैं, और तभी हम सभी देखते कि गोकू पावर अप करके अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे आ चुका होता है। और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो लगता है कि मुझे भी अपनी थोड़ी और पावर लगानी पड़ेगी। और तभी गोकू अपने काफी जोरदार अटैक सीधा ग्रैंड प्रिस्ट को लगाता है, जिसे ग्रैंड प्रिस्ट नहीं देख पाते और वह कुछ कदम पीछे जा गिरते हैं। और अगले ही पल गोकू लगातार अपने काफी सारे अटैक ग्रैंड प्रिस्ट को लगा देता है, जिससे ग्रैंड प्रिस्ट के मुंह से खून आ जाता है और वो वहीं पर गिर जाते हैं। और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, सच में गोकू, तुम्हारे पास पहले से काफी ज्यादा शक्ति आ चुकी है, तुम तो सच में मेरे सक्सेसर बनने के लायक हो। जिसके ऊपर तभी हम सभी देखते धीरे धीरे करके वहाँ पर काफी सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आने लगते हैं, क्योंकि ग्रैंड प्रिस्ट और गोकू की लड़ाई से मल्टीवर्स के अंदर कुछ फर्क पड़ा होता है। और तभी वो सभी ये देख के हैरान होते हैं और वो कहते हैं, यह आखिर सब क्या चल रहा है, मल्टीवर्स के अंदर एक दो बड़े झटके आए थे, वो कैसे हो सकता है। और तभी हम सभी देखते ग्रैंड प्रिस्ट अपने हमले करते हैं गोकू के ऊपर, जिससे गोकू बच जाता है और वो ग्रैंड प्रिस्ट के ऊपर अपने काफी सारे हमले कर देता है। और हम सभी देखते ग्रैंड प्रिस्ट वापस से गिर जाते हैं। और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुमने साबित कर दिया गोकू कि तुम मेरे सक्सेसर बनने के लायक हो। और जैसे ही वहां पर सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल आ जाते हैं, वो सभी ग्रैंड प्रिस्ट की ऐसी हालत को देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्या फादर की ऐसी हालत, आखिर कैसे। और सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ये देख के हैरान होते हैं। और तभी गोकू कहता है, मुझे माफ कर देना ग्रैंड प्रिस्ट, मैंने लगता है कि अपनी काफी ज्यादा शक्तियों का इस्तेमाल कर लिया। और ये सुन के वो सारे लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो ठीक है गोकू, तुम मेरे सक्सेसर बनने के लायक हो, तो आज से तुम बनने वाले हो इस पूरे मल्टीवर्स के नए ग्रैंड प्रिस्ट, और मैं जाने वाला हूँ छुट्टियों में। सुन के वो सारे लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, और दोनों ही जिनों सामा काफी ज्यादा खुश होते हैं। और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, सन गोकू, अभी यहाँ पर सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल मौजूद है, तो तुम्हें अपने आप को साबित करके एक नए ट्रांसफॉर्मेशन में ढलना होगा। जो सुन के गोकू कहता है, क्या नया ट्रांसफॉर्मेशन। जिसके ऊपर जिनोसामा कहते हैं, हाँ गोकू, तुम एकदम सही समझे, तो जल्दी करो। और ये कहने के बाद गोकू अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ाने लगता है, और तभी गोकू अपनी नई ट्रांसफॉर्मेशन में सबके सामने आता है, और ग्रैंड प्रिस्ट के कपड़े गोकू को अपने आप ही आ जाते हैं। और गोकू कहता है, क्या बात है, ये ड्रेस तो काफी ज्यादा अच्छी है, मुझे ये काफी अच्छी लगी ग्रैंड प्रिस्ट। और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो तैयार हो जाओ गोकू, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी काफी सारी पावर और कुछ टेक्निक्स देने वाला हूँ। और ये कहने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट अपना एक हाथ आगे करके गोकू को अपनी काफी सारी टेक्निक्स और पावर देने लगते हैं। और गोकू कहता है, ये सब तो काफी ज्यादा कमाल है, मुझे इसमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और हम सभी देखते गोकू फाइनली मल्टीवर्स का नया ग्रैंड प्रिस्ट और सभी एंजल्स का गॉड बनने के लिए तैयार हो चुका होता है। और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो आप सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल ध्यान दे, आज से सन गोकू हमारे मल्टीवर्स के नए ग्रैंड प्रिस्ट और एंजल ऑफ ऑल गॉड्स हैं। जो सुनके वो सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू के सम्मान के लिए खड़े हो जाते हैं, और काफी सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हैरान होते हैं, लेकिन वीस और बीरस गोकू के ऊपर काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहे होते हैं। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो आप सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यहाँ से जा सकते हैं। और सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपने अपने यूनिवर्सेस पे लौट जाते हैं। और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो वक्त आ गया है गोकू कि तुम मेरे अगले सक्सेसर बनो, और अब मैं अपनी फैमिली के साथ और समय बिता सकता हूँ, तो मुझे अब मेरे एंजल वर्ल्ड में वापस जाना चाहिए। और ये कहने के बाद जिनोसामा कहते हैं, ग्रैंड प्रिस्ट, मैं आशा करता हूँ कि तुम हमसे मिलने काफी जल्दी आओगे, और बाय बाय। और ये कहने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट एक पोर्टल ओपन करते हैं और वो उसमें जाने लगते हैं। और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, गोकू याद रखना कि अब से तुम्हारे ऊपर काफी सारी जिम्मेदारी है, और इस मल्टीवर्स का सारा भार
और जो कुछ भी मल्टीवर्स में होता है उसे रोकने वाले सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। तो मैं आप दोनों से अलविदा लेना चाहूंगा जिनोसामा और गोकू, तुमसे भी, और ग्रैंडपिस मनीमन कहते हैं। तो आखिरकार मेरा नया सक्सेसर गोकू बना, क्या कभी किसी ने सोचा भी होगा? तो अब वक्त आ चुका है कि मैं भी एंजल वर्ल्ड में जाके अपनी फैमिली के साथ और भी समय बिताऊं। गोकू, जिनोसामा, उम्मीद करते हैं कि हमारी मुलाकात बहुत ही जल्दी होगी। और ये कहने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ से निकल जाते हैं और दोनों जिनोसामा गोकू को देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं, हे गोकू, क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहोगे? और ये कहने के बाद गोकू और दोनों ही जिनोसामा आपस में खेलने लगते हैं और ऐसे धीरे धीरे करके काफी समय बीतता जाता है। और तभी गोकू कहता है, आखिरकार मैं काफी ज्यादा शक्तिशाली बन चुका हूँ और ग्रैंड प्रीस्ट ने भी अपनी काफी सारी ताकतें और टेक्निक मुझे दे दी है। जिसके ऊपर दोनों ही जिनोसामा कहते हैं, गोकू याद रखना कि तुम नए ग्रैंड प्रीस्ट और साथ ही में सभी एंजल्स के गॉड तो बन चुके हो, लेकिन उसी के साथ तुम्हारे ऊपर काफी सारी जिम्मेदारियां आएगी। जिसके ऊपर गोकू कहता है, कोई बात नहीं जिनोसामा, अब इस मल्टीवर्स में अगर कोई भी तकलीफ होती है तो वो मेरी खुद की तकलीफ होगी और उसके लिए मैं हमेशा ही तैयार रहूंगा, क्योंकि अब आखिरकार मैं सभी एंजल्स का गॉड और नया ग्रैंड प्रीस्ट बन चुका हूँ, गोकू द ग्रैंड प्रीस्ट।